हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों, जैसे कि कल 6 तारीख का था जितिया का पर्व, ये बच्चों के लिए किया जाता है दोस्तों लंबी आयु के लिए। तो आज पारण है दोस्तों, तो मैं उसी में यहाँ पर जितिया का खाना बनाया जाता है, तो मैं वो खाना बनाई दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते बनाना। जितिया का स्पेशल थाली बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो दोस्तों मैंने सामग्री में लिया है, यहाँ पर केला ले लिया है दोस्तों, कच्चे केले हरे वाले, और ये इसको हम लोग बोलते हैं कांदा दोस्तों। और साथ में यहाँ पर लिया है झींगी, बड़े साइज का 3 वाला झींगी लिया है मैंने दोस्तों। तो ये सारी सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल जितिया का थाली। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है, ये है परमा का साग, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। ये जो साग है इसका हम पत्ती साफ करके, और ये जितने भी सब्जी बनाएंगे, झींगी का, कंदा का, केला का, उसमें हम ये सारे पत्ते हम थोड़ा थोड़ा तोड़ करके काट करके डालेंगे इन सारे सब्जियों में। और जितिया के स्पेशल थाली में ये भी बनाने वाली हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये होता है ये कुर्थी का दाल, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको मैं 2 दिन पहले भिगो कर और इसको कपड़े में छान करके रख दी थी दोस्तों। ये तो पूरा अंकुर आ गया है, ये देखिए, ये वाला कुर्थी का दाल है। इसको जब पथरी होता है ना, तो ये दाल को पानी में भिगो के उसका पानी पिया जाता है दोस्तों, और ये दाल भी सब्जी बना के खाया जाता है। तो यहाँ पर कुर्थी का दाल ले लिया अंकुर करके, और साथ में यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, चना भी भिगो कर रखी थी 2 दिन पहले, इसका भी अंकुर अच्छे से आ गए हैं। तो ये जो कुर्थी का दाल है और ये चना है ये, और साथ में यहाँ पर मैंने ये हरी मूंग दाल, इसको भी साथ में भिगो कर रख दिया था तीनों दाल के एक ही साथ 2 दिन पहले। तो इसमें भी बड़े बड़े अंकुर आ गए हैं तीनों में। तो ये भी हरी मूंग दाल, कुर्थी दाल साबुत, और ये चना, ये तीनों साबुत है। तो तीनों अच्छे से अंकुर आ गए, तो तीनों को भी एक साथ हम मिक्स करके और इसको बनाने वाले हैं दोस्तों। और इसमें भी हम वो परमा का साग डालेंगे, जो साग आपको अभी दिखाया था। तो चलते दोस्तों, इन सबको पहले हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो चलते इन लोगों को साफ कर लेते हैं। हर हाँ दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो आज लंबी बनने वाली है, क्योंकि कल 6 तारीख का फास्ट था मेरा। ये बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है दोस्तों। तो आज पारण के दिन में ये सारा खाना बनता है दोस्तों, ये सारी सब्जियाँ, और साथ में यहाँ पर दाल चावल हम बनाने वाले भी हैं दोस्तों। तो चलते पहले सब्जी बना करके रख लेते हैं। तो तेल गरम हो गया है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच यहाँ पर हम सरसों डाल देते हैं काले वाले, और साथ में यहाँ पर डाल देते हैं 1 प्याज लिया था बारीक काट लिए, 2 हरी मिर्च इसको भी हम डाल देते हैं। प्याज को यहाँ पर हम हल्का फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। इधर मैंने झींगी भी काट करके रेडी कर लिए हैं, और हम इसमें डाल देते हैं लहसुन, कद्दूकस करके रखी थी इसको भी डाल देते हैं। तो प्याज और लहसुन अच्छे से भुना गया है, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ये झींगी, जो हमने झींगी काट करके रखे थे, और साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसको साथ में चलाते हुए हम भून लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक तो डाल दिया था दोस्तों, तो मसाला यहाँ पर डाल दी हूँ। अब इसको हम चलाते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे, तब तक मसाला में खुशबू भी आ जाएगा और मसाला भी भुना जाएगा हमारा अच्छे से। और इसमें हम इस वाले सब्जी में पानी नहीं डालने वाली है दोस्तों, इसमें जो पानी हमारा छोड़ेगा उसी से सब्जी बन करके हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलते, अब इसको हमने यहाँ पर मिला दिया है मसालों में, तो इसको अब हम ढक करके रख देते हैं दोस्तों। सब्जी यहाँ पर पानी छोड़ने लगा है दोस्तों, और साथ में यहाँ पर मैंने परमा का साग भी काट कर लिए हैं। तो चलते यहाँ पर 1 मुट्ठा इतना हम उठा कर इसमें हम डाल देते हैं।
अब इसको हम ढक करके हम मीडियम आँच में 4 से 5 मिनट तक हम हमारी सब्जी 4 से 5 मिनट में बंद करके रेडी हो जाएगा। तो चलते अब यहाँ पर हम ढक देते हैं इसको। सब्जी को ढक दिया है दोस्तों, अब पकने देते हैं इसको, तब तक हम दूसरे सब्जी काट लेते हैं। तो अब हम कांदा को बना लेते हैं दोस्तों। कुकर में तेल डाल के गरम हो गया है, डालती थी। अब इसको हम जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच, छोटी चम्मच राय, 1/2 चम्मच। अब यहाँ पर हम एक प्याज काट के रखे थे, इसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर प्याज को भी हम भूंज लेते हैं हल्का सा। तो प्याज यहाँ पर हल्का भुना गया है दोस्तों, और साथ में डाल देते हैं लहसुन का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट। तो इसको भी हल्का सा भून करके हम इसमें कांदा डाल देंगे। तो कांदा यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों, प्याज और लहसुन भुना गया था। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। नमक यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ दोस्तों। तो इसको भी और साथ में हम चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाला डाल दिया यहाँ पर दोस्तों, नमक तो डाल दिया था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे खुशबू आने तक। झींगी की सब्जी देखिए दोस्तों, यहाँ भी गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको चलाते हुए हम, बस पानी सोख जाए, हमारा सब्जी रेडी है एकदम अच्छे से। ये सीझ गया दोस्तों इसी पानी में। तो सब्जी यहाँ पर हमारा भुना गया दोस्तों, ये कांदा वाला। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं पानी हल्का सा। यहाँ पर मैं ग्रेवी वाला बना रहा हूँ दोस्तों, लटपट चावल के हिसाब से। तब इसको हम ढक्कन लगा के, ढक्कन लगाने से पहले हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं दोस्तों, और इसको 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। डाल दिया है दोस्तों। तो झींगी की सब्जी हमारी रेडी हो गया दोस्तों। अब इसको निकाल करके हम प्लेट में रख लेते हैं और केला बना लेते हैं दोस्तों। पर तेल गरम हो गया है दोस्तों, अब हम ये अंकुरी बना लेते हैं, जो हमने चना कुर्थी बरे का दाल यानी हरी मूंग दाल बनाया था, भिगो के रखे थे वो। जीरा यहाँ पर डाल दिया है। अब जीरा अच्छे से चटक गया, यहाँ पर मैं प्याज डाल देती हूँ। तो प्याज यहाँ पर डाल दिया हमने, और प्याज को भी हल्का सा हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन का कद्दूकस किया हुआ हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों। तो प्याज और लहसुन हल्का भुना गया है दोस्तों, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं अंकुर। तो अंकुर डाल दिया दोस्तों, साथ में यहाँ पर हम नमक भी डाल देते हैं। तो नमक डालने से क्या होगा, चना जल्दी से पक जाएगा दोस्तों, फिर ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मसाला मैंने डाल दिया है दोस्तों। नमक तो पहले डाल दी थी, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्ची तो काट के रखी थी उसको भी डाल दी। तो ये अंकुरी अच्छे से भुना गया था दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसको सीझने के लिए, करीबन 1.5 गिलास पानी। तो अब इसको यहाँ पर ढक देते हैं दोस्तों मीडियम आँच में, और साथ में यहाँ पर परमा का साग भी डाल देते हैं दोस्तों। कांदा की सब्जी हमारे बन करके रेडी हो गए दोस्तों। अब दाल बना लेते हैं। दाल के लिए यहाँ पर मैं 3 गिलास पानी डाल रहा हूँ, और इधर हमारा चावल बन करके रेडी हो गया दोस्तों। अब पानी को हल्का यहाँ गुनगुना गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम हरड़ की दाल डालेंगे इसमें धो करके। तो ये हमारी केले की सब्जी भी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए। और ये रही हमारी कांदा की सब्जी दोस्तों, ग्रेवी वाली। तो पानी हल्का गुनगुना हो गया है गरम, और यहाँ पर देखिए मैंने 2 पानी से दाल को अच्छे से धो ली हूँ। अब दाल को छान करके हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है दोस्तों, देसी वाला, इसको बीच में मैंने 4 भाग कट कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 3 बूंद हम यहाँ सरसों का तेल डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर। अब ढक्कन लगा के इसको हम 2 सीटी तक आने तक हम बनने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले लिया है दोस्तों, आप इसमें हम डाल देते हैं। ये है मड़ुआ का आटा दोस्तों, हम लोग तो इसको मड़ुआ का आटा भी बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मड़ुआ का आटा मैंने ले लिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं को मसाला को नमक भी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो मैंने
जीतिया का व्रत रखा है ना दोस्तों, ये बच्चों के लिए रखा जाता है लंबी आयु के लिए। तो इसमें पारण के दिन में पूजा वूजा करने के बाद ये वाला इसको खा के छोटे छोटे, अगर आपके दो बच्चे तो छोटे छोटे टैबलेट की तरह इसको रोटी बना करके इसको खड़ा लिगड़ना पड़ता है दोस्तों, और साथ में खीरा का दाना भी साबुत दो लिगड़ना पड़ता है, उससे हमारा ये जितिया का पारण पूरा होता है दोस्तों। सही है, तो आटा मैंने छान करके रेडी कर लिया है दोस्तों, ये मड़ुआ का रोटी। तो ये हमारे यहाँ पर कड़ाह भी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए, जो हमने चना कुटी दाल मूंग दाल डाल करके बनाए थे, ये देखिए। तो अब हम मड़ुआ का रोटी बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने तवा में तेल डाल के सरसों का तेल गरम कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसको खड़ा लेना है ना दोस्तों बगैर पानी का, तो इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे दो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो दो रोटी बना रही हूँ छोटे छोटे। तो इसको अब हम पलट पलट करके पका लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा मड़ुआ का रोटी बनकर के रेडी हो गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है, अब इसी में हम डाल करके रख देते हैं। तो मेरी सारी रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी मेरी बन करके रेडी हो गया दोस्तों, जितिया का खाना। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।